अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के लास्ट ईयर का मेरिट शेयर करेंगे, जिससे आपको आइडिया हो सकेगा कि जो आपके मार्क्स हैं उस हिसाब से किस डिपार्टमेंट में या किस कैंपस में आपका एडमिशन होने के चांसेस हैं, ताकि सिर्फ आप उसी डिपार्टमेंट में अप्लाई करें और अपना एडमिशन सिक्योर कर लें। एजुकेशन यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, बजाय ये कि आप प्राइवेट सेक्टर में अपनी बहुत ज़्यादा फीसेज ज़ाया करें, ये कि आप एजुकेशन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें मेरिट कम भी होता है और आपका इजीली एडमिशन हो जाता है। उसके बाद आपको स्कॉलरशिप भी काफ़ी मिलती हैं, फिर पीएम लैपटॉप स्कीम है, लैपटॉप वगैरह भी मिलते हैं और फीसेज भी कम होती हैं। तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर व्हाट्सएप चैनल पर ऐड नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें अटक कैंपस का जो लास्ट ईयर का मेरिट रहा है, वो बीएड जो 1.5 साल है उसमें इवनिंग का जो मेरिट था 52% था, बीएड जो 2.5 साल है उसमें 47% था, बीएड 4 ईयर्स जो है उसका 55% था, इवनिंग का यकीनन कम ही होता है, वो 47 था, बीएस केमिस्ट्री का 70% था, मॉर्निंग का 55% था, इवनिंग का, बीएस कंप्यूटर साइंस 74% था, बीएस इंग्लिश का 68% था, इवनिंग का 48% था, बी एस पोस्ट एडीपी 54% था, बी एस मैथमेटिक्स का 65% था, इवनिंग का 47% था, बी एस फिजिक्स का 55% था, बी एस जोलॉजी का 52% था, एम फिल एजुकेशन का 59% था, एम एस केमिस्ट्री का जो था 51% था, एम एस मैथमेटिक्स का 46% था। इसके बाद अगर नेक्स्ट कैंपस की बात करें, नेक्स्ट कैंपस में जो बैंक रोड कैंपस लाहौर है, इसमें जो बीएड 1.5 साल है उसका 86% था, मॉर्निंग का, बीएड जो 4 साल है उसका 64% था, बीबीए का 73% था, बीएफ ग्राफिक डिजाइनिंग का 64% था, बीएफ पेंटिंग का 50% था, बीएस बॉटनी का 50% था, बीएस केमिस्ट्री का 77% था, बीएस इकोनॉमिक्स का 57% था, बीएस इंग्लिश का 77% था, और बी एस इंग्लिश पोस्ट एडीपी 56% था, बी एस मैथमेटिक्स का 63% था, बी एस उर्दू का 52% था, बी एस उर्दू पोस्ट एडीपी का 52% था, बी एस जोलॉजी 65% था, बी एम एफ एम फिल एजुकेशन का 58 था, एम एस बॉटनी का 56% था, एम एस केमिस्ट्री का 56% था, एम एस मैथमेटिक्स का जो था वो 54% था, एम एस जोलॉजी का 48% था। ये था कैंपस जो बैंक रोड कैंपस। ये बाकी तमाम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज इनका मेरिट काफ़ी कम है, इसी तरह अगर आपके मार्क्स कम है, मैट्रिक में कम है, फर्स्ट ईयर में कम आए हैं किसी वजह से, तो आप इन कैंपसेज में एडमिशन ले सकते हैं एजुकेशन यूनिवर्सिटी के। लाहौर में अगर आप लाहौर से बिलोंग करते हैं तो लाहौर में लें, अपने सिटी में लें, ताकि आपके लिए मूव करना ईजी हो। उसके बाद अगर डीजी खान कैंपस की बात करें तो उसमें बीएड 1.5 साल है उसका मेरिट, ये नहीं मेंशन किया हुआ। जो बी एस बॉटनी है 49% था, बी एस केमिस्ट्री 49% था, बी एस कंप्यूटर साइंस का नहीं मेंशन किया गया, बी एस इकोनॉमिक्स का 49% था, बी एस इंग्लिश का जो था 54% था, और बी एस जोलॉजी 49% था, एम फिल एजुकेशन 49% था, एम एस बॉटनी 48% था, एम एस केमिस्ट्री 44% था। ये डी जी खान कैंपस का जो लास्ट ईयर का मेरिट था। अगर फिर लाहौर में दूसरा कैंपस की डिवीजन ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज बलौर माल कैंपस में देखें तो जो उनका बीएफ ग्राफिक डिजाइनिंग का 68% था, बीएफ पेंटिंग का 46% था, बीएस इंग्लिश का 74% था, बीएस केमिस्ट हिस्ट्री का 49% था, बीएस एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस 46% था, एमफिल एजुकेशन लिंग्विस्टिक का 46% था, एमफिल हिस्ट्री का 46% था, पी एच डी इंग्लिश का 61% था, पी एच हिस्ट्री का 54% था। तो ये था लोअर माल कैंपस का जो आर्ट्स एंड आर्ट्स के डिपार्टमेंट का मेरिट था। उसके बाद डिवीजन ऑफ एजुकेशन टाउनशिप कैंपस, उसमें जो बी एड 1.5 साल था उसका 48% था, बहुत कम मेरिट है, 58 बी एड 2.5 साल था 45 था, बी एड 4 ईयर्स था 45% था, एम फिल एजुकेशन की बात करें तो 55% था, एम फिल एजुकेशनल लीडरशिप एंड पॉलिसी स्टडी 51% था, एम फिल इन स्पेशल एजुकेशन 57% था, पी एच डी एजुकेशनल लीडरशिप एंड पॉलिसी स्टडी 71% था, पी एच डी स्पेशल एजुकेशन 71% था। तो ये था लोअर माल का जो टाउनशिप कैंपस है उसका ये लास्ट ईयर का मेरिट था।
उसके बाद अगर डिवीजन ऑफ इस्लामिक एंड ओरिएंटल लर्निंग लोअर माल कैंपस में देखें तो उसमें बीएस इस्लामिक स्टडी का 53% था, बीएस उर्दू का 46% था, एमफिल जो इस्लामिक स्टडी है 49% था, एमफिल उर्दू का 48 था, पीएचडी इस्लामिक स्टडी का 67 था, पीएचडी उर्दू का 56% था। उसके बाद डिवीजन ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज लोअर माल कैंपस में से जो बीबीए का था 71% था, बीएस इकोनॉमिक्स का 45% था, बीएस इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस का 63% था, बीएस इकोनॉमिक पोस्ट एडीपी का 48% था, बीएस इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस पोस्ट एडीपी का 48% था, एमबीए का 61% था, एमफिल इकोनॉमिक्स का 62% था, एमएस मैनेजमेंट साइंसेज का 57% था, पीएचडी इकोनॉमिक्स का 63% था, पीएचडी मैनेजमेंट साइंस का 69% था। और इसके बाद अगर नेक्स्ट कैंपस की बात करें तो उसमें डिवीजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टाउनशिप कैंपस है, बीएस बॉटनी जो था उसका 54.5% था, इवनिंग में 50% था, इसमें तकरीबन 4 से 5% का फर्क आता है इवनिंग के डिपार्टमेंट में ना, तो आपने दोनों में अप्लाई कीजिएगा ताकि आपका इजीली एडमिशन हो सके। बीएस बॉटनी और पोस्ट एडीपी का जो 57% था, बीएस केमिस्ट्री का 84% था, बीएस केमिस्ट्री पोस्ट एडीपी का 48% था, बीएस कंप्यूटर साइंस 87 था, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 86% था, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पोस्ट एडीपी 68% था, बीएस मैथमेटिक्स का 70% था, बीएस जो मैथमेटिक्स है पोस्ट एडीपी उसका 55% था, बीएस फिजिक्स का जो 48% था, बीएस फिजिक्स पोस्ट एडीपी 59% था, बीएस जूलॉजी का जो था 62% था, इवनिंग में 53% था, बीएस जूलॉजी पोस्ट एडीपी 49% था, एमएस बॉटनी का 63% था, और एमएस केमिस्ट्री का 63% था, एमएस मैथमेटिक्स का 62% था, एमएस जूलॉजी का 62% था, पीएचडी बॉटनी का 673 था, पीएचडी केमिस्ट्री का 65% था, पीएचडी के मैथमेटिक्स 70% था, पीएचडी फिजिक्स 55%, पीएचडी जूलॉजी 72% था। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंपस है वो फैसलाबाद का था, एजुकेशन यूनिवर्सिटी का फैसलाबाद कैंपस में जो बीएड 1.5 साल है उसमें जो था वो तो मेरिट उन्होंने नहीं मेंशन किया, बीएड 4 ईयर्स का था 46% था, बीएड 4 ईयर्स स्पेशल एजुकेशन 45% था, बीबीए 52% था, बीएस बॉटनी 51% था, बीएस केमिस्ट्री 54% था, बीएस कंप्यूटर साइंस 75% था, बीएस इकोनॉमिक्स 47% था, बीएस इंग्लिश 50% था, बीएस मैथमेटिक्स 53% था, बीएस फिजिक्स 45%, बीएस उर्दू 45%, बीएस जूलॉजी 51%, एमबीए 76%, एमफिल एजुकेशन 53%, एमफिल उर्दू 52%, एमएस केमिस्ट्री और ये एमएस जूलॉजी 61% था, एमएस फिजिक्स का 56 था, एमएस मैथमेटिक्स 53 था, पीएचडी केमिस्ट्री का 71 और पीएचडी जूलॉजी का जो था 80% था। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंपस है जोहराबाद कैंपस है, बीएड 2.5 साल था उसमें 57% था, बीएड 4 ईयर्स जो उसका 62% था, बीबीए 70% था। उसके बाद जो है बीएस बॉटनी 65%, बीएस फिजिक्स 48%, बीएस फिजिक्स पोस्ट एडीपी 63% और बीएस जूलॉजी 51%, बीएस केमिस्ट्री 83% था, बीएस कंप्यूटर साइंस 81% था, बीएस इंग्लिश 77% था और उसके बाद बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पोस्ट एडीबी 46% था, बीएस मैथमेटिक्स 61, बीएस मैथमेटिक्स पोस्ट एडीबी 62%, उसके बाद एमएस जो कंप्यूटर था कंप्यूटर साइंस था 50% था, एमएस मैनेजमेंट साइंस 56% था, एमएस फिजिक्स का 61%, एमएस जूलॉजी 48%। उसके बाद जो लास्ट कैंपस है इनका मुल्तान कैंपस है उसमें जो था फिर बीएड 1.5 साल था, बीएड 4 ईयर्स का जो था 61 था और 48% था, बीबीए का 46% 47% था, बीएस केमिस्ट्री का 45, बीएस केमिस्ट्री पोस्ट एडीबी 50%, बीएस कंप्यूटर साइंस 75%, बीएस इंग्लिश 60%, बीएस इंग्लिश पोस्ट एडीबी 56%, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 70%, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पोस्ट एडीबी 46%, बीएस मैथमेटिक्स पोस्ट एडीबी 54%, बीएस फिजिक्स उसका था बीएस फिजिक्स पोस्ट एडीबी का 54% था, बीएस जूलॉजी 45%, बीएस जूलॉजी पोस्ट एडीबी 48%, एमबीए 55%, एमफिल एजुकेशन 44%, एमफिल इंग्लिश लिंग्विस्टिक 49%, एमएस केमिस्ट्री 49%, एमएस मैथमेटिक्स 55% और एमएस जूलॉजी 54%। ये था एजुकेशन यूनिवर्सिटी के जो लास्ट ईयर के मेरिट था
तो आपके अब अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग देखिएगा कि आपके मार्क्स के कितने हैं, उस हिसाब से आप उस डिपार्टमेंट में अप्लाई करें ताकि आपका एडमिशन सिक्योर हो सके और आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सके। एजुकेशन यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, यकीनन इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज काफ़ी होती है, लैपटॉप स्कीम होती है, फीसिस कम होती है और एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है आपको। तो लाजमी अप्लाई कीजिएगा, अगर आपके मार्क्स कम है तो इंशाल्लाह आपका एडमिशन हो सकता है। आपने देखा होगा कि कितने कम मेरिट में है ये, इधर आपका एडमिशन हो सकता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे नहीं हैं तो आपने लाजमी ज्वाइन कर लेना ताकि आपको बर वक्त एडमिशन की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। अल्लाह हाफिज़।